मैं यहाँ पे एमएलए था और मंत्री था तो मेरी एक प्राथमिकता थी कि नगरी टाउन को देखते हूँ और मैं अपने कार्यकाल में ये कार्य नहीं करवा सका मगर आज के शुभ दिन पर तमाम कौंसिल की टीम जितने भी कौंसलर्स ऑनरेबल कौंसिलर्स यहाँ आए हैं और विशेष तौर पर इनके चेयरमैन साहब वाइस चेयरमैन साहब खिजान चंद जी और तमाम जो कौंसलर्स यहाँ पर हैं और जब विशेष तौर पर वक्तावर जी जिनका जो बार्ड है मेरे बुज़ुर्ग जी हैं इन सब साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि ये रिक्वायरमेंट एक टाउन की रिक्वायरमेंट थी और जब मैं फ़ॉरेस्ट मिनिस्टर बना था तो मैंने कुछ पैसे रखे थे बट अनफॉर्चुनेटली सरकार चली गई पचास दिन के बाद सरकार चले गई तो वो मैच्योर नहीं हो पाए तो मैंने इनको कहा था कि एक आपके टाउन की प्रायोरिटी है इस प्रायोरिटी को इन्होंने भी समझा और इस कार्य से इस विकास के कार्य से जो एक सैरगाह की ज़रूरत है आज आप सब जानते हैं कि हर आदमी की रिक्वायरमेंट है हर आदमी लगभग डायबिटिक है और इतना बड़ा कस्बा इतना बड़ा टाउन होने के बावजूद ऐसा कोई स्थान नहीं था मगर इन चंद दिनों के अंदर जब से इन्होंने कार्यवाल संभाला है आपके जहां हम खड़े हैं जिस स्थान पे हम खड़े हैं यहां पे जो इसकी एक फुटपाथ बनना है दो किलोमीटर का पाँच करोड़ की लागत से ये बनेगा इसके साथ साथ एक इन्होंने ओपन जिम और पार्क का यहाँ पे रखा है जो पिछले दिन हमने उद्घाटन किया और प्लेग्राउंड की जो एक रिक्वायरमेंट थी ये जो तीन प्रमुख डिमांड्स थी तो इसको पूरा किया है और आपके सामने जो पुल बन रहा है मेरी होश में और जो भी मेरे बुज़ुर्ग भी जहाँ बैठे हैं देखा बहुत पुरानी प्रा, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि ये डबल पुल होना चाहिए पुल का भी काम आपके सामने लगा हुआ है और जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो नगरी कस्बे को जिला हेड क्वार्टर से कनेक्ट करते हैं और नेशनल हाईवे से कनेक्ट करते हैं जितने भी रोड्स हैं वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने देखभाल की है और लगभग सारे काम कम्पली कम्पलीशन पर हैं अब इस टाउन में एक आपका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसी अंदर के एरिया में आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये जो जितने भी नगरी पल्ली रोड हो फतेहपुर वाली रोड हो या पंडोरी वाला ब्रिज हो या कीड़िया गंड्याल वाला ब्रिज हो कहने का भाव मतलब इतना ही है कि सारे का सारा कस्बा सारे का सारा अंदर का एरिया है वो सारा रिकोनेक्टेड है सारे अपने आप में चाहे वो जिला हेड क्वार्टर है और चाहे वो नेशनल हेड क्वार्टर है आ, नेशनल हाईवे का जो एरिया है दस पंद्रह मिनट के आ, समय में हम वहाँ पहुँच सकते हैं बहुत अच्छे कार्य और जिस स्पिरिट से ये टीम काम कर रही है ये काउंसल जो काम कर रही है इनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ विशेष तौर पे जितनी तादाद में लोग आए हैं इसका स, 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 साफ संदेश ये है कि लोगों का भी ये मान था कि ये कार्य होना चाहिए अनिल जी को इनकी टीम को इनके वाइस चेयरमैन साहब को तमाम काउंसलर्स को पुनः एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ कि नगरी के आज यहाँ पर जो हमने वजूद चैनलाइजेशन के एक प्रोजेक्ट पाँच करोड़ की लागत से रखा था आज हमारे माननीय पूर्व मंत्री और हमारे कठुआ के पूर्व विधायक श्री राजीव जसरोटिया जी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए और अपने कर कमलों से उन्होंने इसका विधिवत तरीके से उद्घाटन किया मैं सर्वप्रथम उनका धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूँ और विशेष रूप से स्रोटिया साहब क्योंकि जब भी हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ती है मैं बार बार ये बात कहता हूँ ये हमेशा आगे आकर हमारी मदद करते हैं और सबसे बड़ी मुबारक की बात हमारे जो नगरी के तमाम लोग हैं जितने भी यहाँ पे मेरे भाई बहन बुज़ुर्ग प्यारे बच्चे हमारी माताएं, बहनें आजकल आपको पता है हेल्थ इशू बहुत सारे रहते हैं और ये जो प्रोजेक्ट है इसके मल्टीपल हमें बेनिफिट्स होने वाले हैं अगर मैं बताने लगूँ तो सर्वप्रथम जब भी बरसात का मौसम आता था तो एक थ्रेट रहता था कस्बे के जो भजू नाले के किनारे किनारे जो घर बने हुए हैं उनका बहने का डर रहता था एक तो उनको एक प्रोटेक्शन बाल हो जाएगी जिसकी चौड़ाई लगभग अठारह फीट होगी और पौने दो किलोमीटर इसकी लेंथ होगी दूसरी बात यह है कि उसके साथ साथ हमारे पूरे कस्बे को एक अल्टरनेटिव रोड मिल जाएगा उसके साथ साथ एक सैरगाह सा, सा, मिल जाएगी और उसी के साथ हमने साइड पे तीन फीट गहरा एक नाला रखा है जिसमें गंदा पानी ताकि बजू में ना जाए और बजू को भी हम बचा सकें और दोबारा इस पहले की तरह लोग जहाँ नहाएं इसको ये एक हमारे लिए गंगा मैया की तरह है इसको दोबारा हम पूर्ण जीवित कर सकें उसके साथ साथ लोग जहाँ जो बीमार होंगे जितने भी किसान भाई लोग हैं ये नीचे यहाँ तक ये यह रोड जाएगा जब खत्म होगा वहीं पे हमारा जो स्पोर्ट्स जो प्ले ग्राउंड का यहाँ बनना है ये बिल्कुल वहां तक जाएगा और वहाँ पे ऑलरेडी जो सोटिया साहब ने एक सत्तर अस्सी लाख रुपए का एक पुल हमें ब्रिज पहले ही ऑलरेडी बना के दे दिया है तो उसके लिए इनका धन्यवाद और हमारे बच्चे लोग अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है एक अच्छा सुंदर विकसित शहर के रूप में हम नगरी कस्बे को देखना चाहते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे किसान भाइयों को होगा